सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लास बाई लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लकी क्लासेस बाई लवकुश पर। मैं लवकुश कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आया हूँ 6 जून का करंट अफेयर। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, वो भी जी के फैक्ट के साथ बिल्कुल कम समय में। तो आज पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चलते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ के पार हो गया है। मार्केट कैप के अनुसार SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। तो कितने नंबर का बैंक है? तो तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं कि SBI तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि बात करते हैं SBI के करंट चेयरमैन की, तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन हैं। और ये दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के 26वें अध्यक्ष हैं। SBI का 1955 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन SBI से संबंधित हैं जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया है। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन फैक्ट के साथ आपको बताते चले जाएंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी पॉइंट आपको हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, यानी पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो इसलिए सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला देश उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के अगर राज्यपाल की बात करें तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें 403 सीटें हैं। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और अगर बात करें 7 अजूबों में, तो 7 अजूबे में जो एक ताजमहल है वो हमारे उत्तर प्रदेश में यानी आगरा में है। तो इसी प्रकार से जो पूछे जाने वाले हर एग्ज़ाम में जो पॉइंट हैं यानी जो फैक्ट हैं मैंने आपको प्रोवाइड कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिए हैं, जो आपने नोटबुक में नोट इनको कर लें। चलें सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मालदीव ने किस देश पर हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश पर लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल, यानी इजराइल पर मालदीव ने हिंद महासागर द्वीप समूह में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से चट्टानें एकत्र करने वाला मून मिशन Chang'e 6 किस देश की पहल है? पूछा जा रहा है कि चंद्रमा के सुदूर हिस्से में चट्टानें एकत्र करने वाला मून मिशन
चोंग ई सिक्स किस देश की पहल है? तो वो चीन की है, तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। अब बात करते हैं चीन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं और चीन की मुद्रा चीनी युआन है, यानी चीन की मुद्रा क्या है? चीनी युआन है। अगर बात करते हैं सबसे लंबी दीवार की, तो वो चीन में है और चीन की स्पेस एजेंसी CNSA है। अगर बात करते हैं भारत की इसरो कंपनी कौन सी, यानी एजेंसी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, तो वो इसरो है। अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग चीन चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है। अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें तो पहला देश भारत है, यानी कि 2023 सितंबर माह से भारत दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बन गया है। तो इस प्रकार हमारे फैक्ट थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 5, हाल ही में नए विश्लेषण से वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी गतिविधि पहले से अधिक सक्रिय होने की जानकारी दी है, यानी शुक्र ग्रह पर, किस पर की है, यानी शुक्र ग्रह पर नए विश्लेषण से वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी गतिविधि पहले से अधिक सक्रिय होने की जानकारी दी है शुक्र पर। अब देखते हैं शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि पृथ्वी से अगर बात करें इसकी, तो पृथ्वी से इसकी दूरी है 40 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है, और इसको पृथ्वी की हम बहन भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं शुक्र ग्रह, तो ये सूरज के बहुत ही नज़दीक है, यानी और ये सबसे गर्म ग्रह है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह क्या है, कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह हो जाएगा। अगर बात करते हैं शुक्र ग्रह के उपग्रह की, तो शुक्र ग्रह पर एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और शुक्र का वातावरण सबसे विशाल है। अगर बात करते हैं वातावरण की, तो सबसे विशाल वातावरण है किस पर? शुक्र ग्रह पर। अगर बात करें इस पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, जैसे 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि शुक्र ग्रह पर पाया जाता है, और 3.5% इसमें आणविक नाइट्रोजन भी बना है। तो इस प्रकार ये शुक्र से संबंधित पॉइंट हो गए। अब चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में किसने निवेशकों के लिए साथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो SEBI ने पर्सनल फाइनेंस ऐप लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं साथी 2.0। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत 42 वर्ष के अंतराल के बाद किस वर्ष दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मेजबानी करेगा? तो 2025 में भारत यानी कि IATA की मेजबानी करेगा। अगर आपको लगता है कि हमारे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और सभी दोस्तों को शेयर कर दें। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। विजय भारती सयानी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है, तो 12 अक्टूबर 1993 में। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कुछ इससे संबंधित फैक्ट हैं, जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की बात करते हैं, तो इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 पूर्णकालीन सदस्य और 7 मानद सदस्य होते हैं,
और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो भी फैक्ट थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो हर साल या हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो इस प्रकार से हैं। चलते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस सेशन का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, यानी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यानी कांडला बंदरगाह को यानी कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। चलिए इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगर बात करते हैं कि भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कांडला बंदरगाह भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह है। और मैंने आपको बता दिया है कि कांडला बंदरगाह का अब नाम बदलकर वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह कच्छ की खाड़ी में 90 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस प्रकार से कांडला से संबंधित यानी कांडला बंदरगाह से संबंधित जो भी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड की दी यानी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो इसलिए आप सभी इन पॉइंट को नोट करते चले जाएं और आने वाले एग्ज़ाम में आप सरल तरीके से अपने एग्ज़ाम को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलते हैं सेशन के लास्ट और क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, एग्जाम में पूछ दिया जाए कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो तमिलनाडु में। अगर बात करें जीके या जीएस की, तो हर साल अनुसंधान केंद्र परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कोई भी पूछ दिया जाए, तो इस बार पूछा जा सकता है। ये इसके 99% इसके चांस है, इसलिए इसको नोट कर लेना। तो ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि भारत में परमाणु अनुसंधान केंद्र कितने हैं, तो वो 5 हैं। कहाँ कहाँ पर हैं, जैसे BARC जो परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो आपका मुंबई में है, और IGCR अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो आपका वो आपका तमिलनाडु में है। इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कैट यानी CAT यानी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो इंदौर में है। इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि VECC परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो कोलकाता में है, और पूछ दिया जाए कि AMD अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में है। इसी प्रकार से एक पॉइंट और हो जाएगा कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र को वर्ष 1971 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे जो फैक्ट थे वो इस प्रकार हैं, और आप सभी इन पॉइंट को नोट जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।